चैनल मर्सी सिंह और आज मैं आई हूँ चर्च और चर्च से मैं जाने वाली हूँ एक सुंदर सी जगह में आप लोगों को लेके भी जाऊँगी। तो पहले मैं चर्च अटेंड कर लेती हूँ उसके बाद पूरा आप लोगों को व्लॉगिंग करके दिखा रही हूँ। ठीक और संडे सर्विस हमारा हो गया है ख़त्म तो अभी मैं जा रही हूँ भाई के साथ। आज पहली बार मेरा भाई मेरे साथ घूमने जा रहा है। बहुत ही कम निकलता है वो बाहर, मतलब ज़्यादा नहीं घूमता है। तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे एंड एक्साइटेड टू और उसको भी मैं घुमाने वाली हूँ आज। तो आज हम जाएंगे एक नई सी जगह में, तो अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कहाँ जाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग गए लीफ टेक कैफ़े में और पहुँचते ही भाई और मेरे फ्रेंड जो है त्रिनयना, उनका तो मुंह पूरा उतर गया है, बोल रहे कि यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो चले दूसरा जगह। और हम लोग अभी आए हैं सेंट्रल मॉल जो क्रिश्चियन बस्ती में है। आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ पूरा एंटायर व्यू, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है जो बीच का सेंटर का, आप देख सकते हो क्रिसमस वाइब्स पूरा लगा के रखा है इन लोगों ने। आज है 26 दिसंबर और हम ढूंढ रहे एक अच्छी सी जगह जहाँ पे हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाए। और यहाँ से हम जाएंगे अंदर, अंदर देखेंगे कुछ खाने के लिए, टाइम स्पेंड करने के, थोड़ा फ़ोटो खींचने के लिए कुछ अच्छा जगह मिल जाए। जगह देखा ले सू, दिस इज त्रिनयना एंड दिस इज माय ब्रदर सुजॉय एंड दिस इज मी अगली मी मैसी मी यार देखा पाए। वाओ इतना सुंदर सजाया है यहाँ पे, और हमें गूगल सर्च करने के बाद हम लोगों को द एटिक रेस्ट्रो कैफ़े बहुत ही सुंदर लगा। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग आ चुके हैं सेंट्रल मॉल और जाने वाले हैं द एटिक रेस्ट्रो कैफ़े, तो आप लोग भी लेके चलते हैं। तो पहले ये नज़ारा देख लीजिए इतना सुंदर है। हम दोनों और मेरा भाई भी जा रहा है, आज पहली बार ये ब्लॉग में निकल रहा है नहीं तो कभी नहीं निकलता है वो। यस मोबाइल के ऐसे अभी वहाँ पे पहुँचते हैं, आप लोगों को वीडियो में सारा कुछ दिखा देंगे। ठीक है, एक टॉप एक टॉप। तो अभी आप लोग देख सकते हो द एटिक रेस्ट्रो कैफ़े हम पहुँच गए हैं और ये बहुत ही सामने है सेंट्रल मॉल के ऑपोजिट। और एंट्री करते ही आप सभी को ये वॉल दिखेगा और यहाँ पे जो लाइटिंग किया हुआ है तो सारे लोग आके एक बार तो फोटो ज़रूर खींचते हैं यहाँ पे। और क्रिसमस सीजन होने के कारण क्रिसमस ट्री स्टार्स पूरा सजा के रखा हुआ है पूरा इंटीरियर। और इनका बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए अलग सा कॉर्नर मैंने देखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ हम बैठने वाले हैं, तो ये जगह भी बहुत ही सुंदर, मतलब फ़ोटो खींचने के लिए बहुत सुंदर जगह है। आप लोग भी आके पहले से अच्छा जगह देख लेना फिर बैठना, ठीक है। और अभी मैं बाकी जगह भी दिखाने वाली हूँ पर पहले मैं सोच रही हूँ कि ऑर्डर एक बार दे लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर दिखाएंगे जगह है मेनू। हम लोग पहले देख लेते हैं क्या ऑर्डर देंगे। दिस मैना विल फाइंड आउट मेनू व्हाट टू ईट नाउ, तू देख ले फिर हम लोग ऑर्डर कर देंगे। तो हम लोगों ने चीज़ मैगी ऑर्डर किया है और हम लोग एक देने वाले हैं पिज्ज़ा, तो पनीर टिक्का पिज्ज़ा देंगे। सो नाउ वी आर डन विद आवर ऑर्डरिंग और अभी हम लोग खींचेंगे फोटो। फोटो खींचते खींचते हमारा इस तरफ तो ऑर्डर भी आ चुका है, आप लोग देख सकते हो पनीर टिक्का पिज्ज़ा बहुत ही लाजवाब, इतना सुंदर डेलीशियस लग रहा है दिखने में और खा के बताएंगे कैसा है। ये हमारा चिकन मैगी तो सर पुर गया ना, नाउ शी विल सर्व इट त्रिनु डार्लिंग एंड वी विल ईट। वाओ दिस इज सो यम्मी एंड लुकिंग सो डेलिशियस, बा देखात किंतु मजा ना।
पता नहीं ये वाला साइड डोमिनोज जैसा क्यों नहीं फ्लफी होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो अभी हम लोग मैगी ट्राई कर रहे कैसा है। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, यहाँ का जो प्राइस है बहुत रिजनेबल है, अफोर्डेबल है। प्लस इनका जो खाना है देखने में जैसा डिलीशियस लगता है वैसा ही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मतलब। और मैगी एंड पिज्ज़ा बहुत ही ज़्यादा मतलब स्वादिष्ट था, डिलीशियस था, मतलब क्या बताऊँ, ख़राब बता ही नहीं सकती मैं आज। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मतलब टू द पॉइंट बोलूँ तो बेस्ट है ये वाला कैफ़े, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे। पिक्चर के लिए आपका अच्छा फ़ोटोज़ वगैरह आ जाएगा, खाना भी अच्छा है और दाम भी ठीक ठाक है। तो आप ज़रूर एक बार जाइए और मज़े करें, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मुझे लगा अभी तक। और आप लोग बाकी भी देख सकते हो, और प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट करना दूसरा कैफ़े में अगर मतलब एक्सप्लोर करूँ तो। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो विच कैफ़े शुड आई विज़िट नेक्स्ट। तो फॉर द लास्ट टाइम मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ ये जगह, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, डू विज़िट। तो हमारा हो गया है खाना पीना सब कुछ, फ़ोटो खींचना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एटिक से निकल के, अभी तो घर जा रहे हैं अभी हम लोग सब। तो व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। कोई डे टाटा।